दुनिया में बिना मेजरमेंट के केवल फीलिंग बेसिस पे अगर हम कोई जजमेंट लेते हैं तो वो एब्सोल्यूट नहीं होता बल्कि रिलेटिव होता है। हमने सुना होगा कि गर्मियों में लोग कहते हैं कि ठंडा पानी ज़मीन से आता है और सर्दियों में गर्म पानी आता है। सच यह है कि ज़मीन से आने वाले पानी का टेम्परेचर जो गर्मी में रहता है सर्दियों में भी लगभग वही रहता है। तो ऐसा क्यों कि हमें गर्मी में वो ठंडा लगता है सर्दियों में वो गर्म लगता है? उसके पीछे रीज़न है कि गर्मी में हम जिस रेफरेंस से कंपेयर कर रहे होते हैं वो रेफरेंस ज़्यादा गर्म होता है, यानी हम अपनी बॉडी टेम्परेचर उस एटमॉस्फेयर में बॉडी टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में पाते हैं कि वो पानी ठंडा है, और सर्दियों में हम अपने बॉडी टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में पाते हैं कि वो गर्म है। इसी तरह से और भी बहुत सारी बातें, जब मैं कहता हूँ कि कोई पर्सन गुस्से वाला है इसका सीधा मतलब है कि मैं अपने एग्रेशन से दूसरे का एग्रेशन कंपेयर करके बता रहा हूँ कि उसका एग्रेशन लेवल मेरे से ज़्यादा है। जब मैं कहता हूँ कि ये बड़ा हंसमुख आदमी है, मीन्स कि मैं उससे कम हंसमुख हूँ। अगर मैं उसको रेट करता हूँ 80, तो मैं 60 वैल्यू के हंसमुख नेचर का हूँ, तो वो मेरे मुकाबले 20 ज़्यादा है। एक्चुअली जाने अनजाने हम सारा काम अपने रिलेटिव कर बैठते हैं, और एब्सोल्यूट बात क्या है वो एक्चुअली हम खुद से कभी मेजर नहीं कर सकते। उसके लिए कोई एब्सोल्यूट स्केल बनाना पड़ेगा जिससे सबको कंपेयर किया जा सके। यहाँ हमें हॉटनेस, कोल्डनेस या एग्रेशन या हैप्पीनेस ये बातें नहीं करना बल्कि रिलेटिव मोशन की बात करना है। तो जो रूल वहाँ हैं वही रूल यहाँ भी हैं। कई बार हमने देखा होगा कि एक रेलवे स्टेशन में हम देखते हैं कि बगल वाली ट्रेन पीछे की साइड चली है। थोड़ी देर में जब हम प्लेटफॉर्म देखते हैं तो पता चलता है कि बगल वाली ट्रेन नहीं बल्कि अपनी ट्रेन आगे जा रही है। बेसिकली हम अपना मोशन पलट के उसके अंदर देख लेते हैं, दैट इज रिलेटिव मोशन। हम अपने रिस्पेक्ट में बातें करते हैं कि वो पीछे जा रहा है। तो इस बात को समझने के लिए मैं यहाँ एक रेड और ग्रीन बॉल दिखा रहा हूँ। एक रेड ऑब्जेक्ट है, ग्रीन ऑब्जेक्ट है, दोनों लिविंग थिंग है। सोच सकते हैं कि कोई इंसेक्ट है, एक दूसरे को देख रहा है। ये ग्रीन वाला रेड वाले इंसेक्ट को देख के एकदम खो गया है, दोनों आंखों में आंखें डाल के आगे बढ़ रहे हैं, और ग्रीन वाला भूल गया कि मैं खुद भी चल रहा हूं। अच्छा, रिलेटिव मोशन फील तभी होता है जब हम ये भूल जाएं कि हम खुद भी चल रहे हैं। आमतौर पे जब हम बस में बैठ के रिलेटिव मोशन महसूस करने की कोशिश करें, बस में बैठ के भी जब हम खो जाते हैं तो हमें लगता है जैसे पेड़ पौधे बगल में पीछे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन कई बार बस में या ऑटो में या ऐसी जगह पे बैठ के रिलेटिव मोशन महसूस नहीं हो पाता जहाँ पे वो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम खुद बताता है कि नहीं तुम चल रहे हो। यानी जब जब तक हमें ये पता रहता है कि हम चल रहे हैं तब तक रिलेटिव मोशन ढंग से महसूस नहीं होता। तो ऊपर से इंडिया के रोड्स जहाँ पे गड्ढे खुद बता देते हैं कि भैया आप रिलेटिव मोशन मत महसूस करो, आप चल रहे हैं। तो पहले तो हमें ये भूलना पड़ेगा कि हम चल रहे हैं, तभी हमें रिलेटिव मोशन सही से महसूस होगा। मैंने कहा ग्रीन वाला रेड वाले को देख के खो गया है और उसको केवल रेड चलता हुआ नज़र आ रहा है, दुनिया में और कुछ नज़र नहीं आ रहा है। जितनी देर में ग्रीन वाले ने 3 की डिस्टेंस कवर करी है, यहाँ आया है, उतनी देर में रेड वाला यहाँ से 9 स्केल में बढ़ गया है। यानी अगर मैं कहूँ ग्रीन वाला 3 मीटर चला है तो रेड वाला 9 मीटर चला है। मैंने कहा ये प्रोसेस लेट अस से 3 सेकंड में सारा प्रोसेस हुआ है। तो घड़ी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती, यानी रेड वाले ने भी 3 सेकंड चला, ग्रीन वाले ने भी 3 सेकंड चला। ग्रीन वाले ने 3 मीटर चला है तो उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड होगी, एंड रेड वाले ने क्योंकि यहाँ से चलना शुरू किया था तो उसने 9 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है उतने ही टाइम में, तो उसने बेसिकली 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चला है। ये कौन कह रहा है? ये कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी बोलेगी। अगर मैं देख रहा हूं तो मैं ये बात बोल सकता हूं, मैं क्योंकि बाहर का पर्सन हूं तो मैं दोनों को अलग अलग देख पा रहा हूं, मैं एक एब्सोल्यूट स्केल से दोनों को मेजर कर रहा हूं तो मैं ये वेलोसिटी बोल पा रहा हूं। लेकिन अगर ग्रीन वाले से पूछा जाएगा कि उसने रेड वाले को किस वेलोसिटी से देखा, इस बात को मैं ऐसे लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ रेड विद रिस्पेक्ट टू ग्रीन। ये जिसके रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है वो बाद में लिखा जाएगा, जिसको देखा जा रहा है वो यहां लिखा जाएगा, और वो वेलोसिटी
उसे 3-1 यानी 2 मीटर पर सेकेंड नजर आएगी। जो देखता है वो अपना मोशन पलट के यानी माइनस साइन के साथ जिसको देखता है उसकी वेलोसिटी में ऐड कर देता है। यानी ले देके फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ रेड माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्रीन। और क्योंकि ये वेलोसिटीज भी किसी ने देखी है, एक थर्ड पर्सन ने, उस थर्ड पर्सन को मैं कुछ सी बोल देता हूँ, सी इज कॉमन मैन, यानी मैंने दोनों की वेलोसिटी देखी है। तो 3 मेरे रिस्पेक्ट में रेड की थी, 1 मीटर पर सेकेंड मेरे रिस्पेक्ट में ग्रीन की थी। तो दोनों जब आपस में ग्रीन वाला रेड वाले को देखेगा तो वो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड नजर आएगी। हम देख सकते हैं, ये मैंने एक फ्रेम बनाया है, विद इन द फ्रेम ये रेड वाला कितना चला है। अगर फ्रेम के साथ मैं एक स्केल अटैच कर दूं तो इस फ्रेम के अंदर इस रेड वाले ने 6 की डिस्टेंस कवर करी है। यानी पहले ग्रीन वाला रेड वाले को अपने से कुछ 3 मीटर की डिस्टेंस पे देख रहा था, रेड वाले ने यहाँ से ट्रैवल करके क्योंकि 6 मीटर का डिस्टेंस ग्रीन वाले के रिस्पेक्ट में किया है, तो यानी 6 मीटर इन 3 सेकेंड, तो उसके हिसाब से वेलोसिटी वो 2 मीटर पर सेकेंड होगी। यही बात मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश करी है। तो इन फ्यूचर हम लोग हर बार स्केल बना के चीज़ों को नहीं करेंगे, बल्कि एक फॉर्मूला हमने बना लिया है, और वो फॉर्मूला है कि किसी भी ए और बी के रिलेटिव मोशन में वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी वो होगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी। ये हमारा Type 1 रिलेटिव मोशन है। ये बात हम और जगह पे फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह दूँ ग्रीन वाला 6 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, रेड वाला 4 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी इस फॉर्मूले से निकलेगी, ग्रीन के रिस्पेक्ट में VR-VG यानी 4-6 -2 मीटर पर सेकेंड ग्रीन वाले को महसूस होगा। यानी ग्रीन वाला बोलेगा कि रेड वाला मेरे रिस्पेक्ट में आगे नहीं, ये तो हम बोल रहे हैं। यानी ग्रीन वाले से पूछा जाएगा तो वो कहेगा कि रेड वाला 2 मीटर पर सेकेंड से पीछे की तरफ आ रहा है, कुछ इस तरीके से। दैट इज रिलेटिव मोशन। ग्रीन वाला 4 मीटर पर सेकेंड से राइट जा रहा है, रेड वाला 4 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट जा रहा है। तो अगर मैं कहूँ वेलोसिटी ऑफ रेड विद रिस्पेक्ट टू ग्रीन क्या नजर आएगा, फिर उसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ रेड माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्रीन करेंगे। रेड की वेलोसिटी पीछे है तो -4 मीटर पर सेकेंड, ग्रीन वाले की आगे है तो प्लस साइन के साथ लिखेंगे, और ये माइनस फार्मूले का, तो ये आएगा -8 मीटर पर सेकेंड। यानी ग्रीन वाला बोलेगा कि रेड वाला 4 से नहीं बल्कि 8 से आ रहा है, क्योंकि उसकी अपनी कोशिश पलट के उसके अंदर नजर आएगी। यानी ग्रीन वाला को रेड वाला थोड़ा ज़्यादा ही तेज चलता हुआ नजर आएगा उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ये तो बात हो गई 1 डायमेंशन में। जब तक 1 डायमेंशन का डिस्कशन है तब तक हमें IJ लगाने की ज़रूरत नहीं है।